नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम है और आज के इस लेसन में हम लोग G माइनर 7 गिटार कॉर्ड के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देख लेते हैं इस कॉर्ड में यूज होने वाले नोट्स। तो नोट्स हैं वो हैं हमारे G, A शार्प, D और F। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं हम, अगर हम इन चारों नोट्स को अपने फ्रेटबोर्ड पर कहीं भी बजाते हैं तो हमारी जी माइनर 7 गिटार कॉर्ड बन जाएगी। तो देख लेते हैं हमें किस तरीके से बजाना है इसे। सबसे पहले आपको अपनी मिडिल फिंगर रखनी है छठी स्ट्रिंग तीसरी फ्रेट पे और इसी मिडिल फिंगर से आपको म्यूट करना है पांचवी स्ट्रिंग को। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी रिंग फिंगर को बार देना है तीसरी चौथी तीसरी और दूसरी फ्रेट पे स्ट्रिंग पे। ठीक है दोस्तों, तीसरी फ्रेट पे चौथी तीसरी और दूसरी स्ट्रिंग पे। ठीक है दोस्तों, और बजाना है आपको 6 4 3 2 2 3 4 6। ठीक है दोस्तों, ये हमारी जी माइनर 7 गिटार कॉर्ड है। अगर आपको इस तरीके से ये नहीं बजानी आ रही है तो आप इस तरीके से ही बजा सकते हैं। आप अपना इंडेक्स फिंगर से बार दीजिए तीसरी फ्रेट पे और अपनी रिंग फिंगर पर रखिए पांचवी स्ट्रिंग पांचवी फ्रेट पे और बजाइए सारी की सारी स्ट्रिंग्स। ठीक है दोस्तों, या तो आप इस तरीके से बजाइए या फिर इस तरीके से अपनी मिडिल फिंगर को रखिए यहाँ पे तीसरी फ्रेट छठी स्ट्रिंग पे और अपनी रिंग फिंगर से दीजिए बार तीसरी फ्रेट पे चौथी तीसरी और दूसरी स्ट्रिंग पे और आपकी पांचवी स्ट्रिंग जो है म्यूटेड होगी आपके रिंग फिंगर से। ठीक है दोस्तों, या फिर आप इस तरीके से बजा सकते हैं, इन तीनों को ऐसे रखिए और यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, आप किसी भी तरह आपको ये चार स्ट्रिंग्स बजानी है ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी जी माइनर 7 गिटार कॉर्ड। अगर आपको मेरे लेसन पसंद आए तो इसे रेट करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।